दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का विषय है, क्या घर खरीदने की बजाय किराए पर लेना सही है। ये दो चार दिन पहले मेरा किसी से डिस्कशन हुआ था, तो हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है और आज के टाइम में यदि यंग जनरेशन की बात करें तो वो किराए पर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं या किराए पर रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो अब दोनों में क्या फ़र्क रहता है? तो मेरा सीधा सवाल यही था, क्योंकि एज ज़्यादा नहीं थी, 20 से 25 साल के आसपास की एज थी, तो उन्होंने मेरे को सीधा यही बोला था कि जितने का घर खरीदते हैं उसके ब्याज में तो आधे से कम ब्याज में ही किराए पर रह सकते हैं। तो मैंने सीधा सवाल यही किया था कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आज के टाइम में नगद में प्लॉट या मकान खरीदने वाले 2% लोग होते हैं, 98% लोग लोन पे घर खरीदते हैं, पैसा होता नहीं है। ब्याज तो तब आएगा जब पैसा होता है, प्रैक्टिकल बात यही है। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने खुद ने जब मकान खरीदा था पैसा नहीं था, पूरा का पूरा लोन लिया था मैंने उस टाइम के अंदर, 2006 में डाउन पेमेंट के अलावा बाकी मैंने सारा का सारा लोन लिया था। तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि उस पैसे के ब्याज में अपन किराए पर मकान ले लें। क्या होता है कि जो अपन कमाते हैं उसी में से किराया जाता है, पैसा इकट्ठा हो नहीं पाता है। यदि अपन लोन पे यदि मकान ले लेते हैं तो उसमें किराए का जो फायदा है, मान लीजिए आपका किराया जा रहा है 8 से 10 हज़ार, तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये तक EMI दे सकते हैं, यदि कि उससे लगभग 2 गुना यदि आप EMI देते हैं तो भी वो प्रॉपर्टी आपकी थोड़े टाइम में खुद की हो जाती है। क्योंकि लोन पे जो अपन मकान लेते हैं प्लॉट लेते हैं तो पैसा किराए में भी जाता है तो उसका कोई यूज नहीं होता है, किराए में जाएगा वो बैड डेब्ट ही होगा, मतलब पैसा उसमें कोई रिटर्न नहीं आएगा। किराए में जो पैसा देते हैं वो आपका एक तरह से खड्डे में डाल रहे हैं पैसा, मेरा सोच तो ये। बाकी हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है, न्यू जनरेशन के आज के टाइम के अंदर उनका सोच अलग है और वो केवल कमाया और खाया उड़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अपन यदि बात करें तो खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि हर महिला की या परिवार के अंदर माता हो चाहे पत्नी हो तो उनकी एक इच्छा होती है कि वो खुद के मकान में रहे। किराए के मकान में बहुत सारी दिक्कतें होती है, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसमें अपन देख सकते हैं, क्योंकि किराए मकान मालिक कभी खाली करवा देता है या कभी अपने को खाली करना पड़ता है, कई चीज़ें रहती है, उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों हैं, फायदे भी है तो नुकसान भी है। कई लोगों का होता है कि हम बार बार नई नई जगह चेंज कर लेते हैं, तो वो अलग अलग नज़रिया होता है। अब अपन लोग हैं मिडिल क्लास के लोग हैं तो एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, मान लीजिए उस मकान को किसी कारणवश कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो अपने को यदि बेचना पड़े तो अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है। इतना मार्केट अभी करीब 7-8 साल से डाउन था, उसके बावजूद भी यदि रियल इस्टेट का रिटर्न की यदि बात करें तो लगभग 7 से 10% ईयरली रिटर्न अभी भी रहा है, मतलब जो बैंक ब्याज है उससे थोड़ा ज़्यादा रहा है। लेकिन रियल इस्टेट में जो रिटर्न की बात करते हैं तो वो 10 से 15 साल का देखा जाता है, 10 से 15 साल का रेशियो देखते हैं तो आपका मेरे अंदाज से लगभग 15 से 25% एनीआउ रहता है, इससे नीचे नहीं रहता है। मैं मेरे ही मकान की बात करूं तो मैंने 2006 में 9 लाख का प्लॉट खरीदा था और लगभग उस पर 15-1 लाख रुपए बनाने में लगाए थे। आज प्लॉट की यदि कीमत करूँ तो 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये तक की वैल्यू है, तो उसको अपन यदि कैलकुलेशन करें तो कई गुना फायदा है। आज मान लीजिए अपन बेचते हैं और रह लिए जो फ्री के अंदर, मेनली मैं लगभग 17 साल से इसमें रह रहा हूँ तो 17 साल लगभग मैं 15-16 साल या 17 साल जो भी है मैं फ्री रह लिया और वही कहीं ना कहीं मेरे को किराया देना पड़ता, उस किराए की किस्तों के अंदर पैसा चला गया। उस टाइम मैंने लोन लिया था करीब 16 लाख के आसपास का, उसको टोटल को यदि मान भी चल रहे अपन 16 का डबल दे दिया मैंने, इससे ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि मैंने पार्ट पेमेंट खूब किया था तो ब्याज मेरा ज़्यादा नहीं गया था, फिर भी अपन 30 लाख भी मान लें तो भी 30 लाख की वैल्यू आज 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, बनाया जो मान लिए उसमें रह लिया मैं, लेकिन फिर भी फायदा है। अब हर आदमी क्या होता है अलग अलग नज़रिए से सोचता है और
खुद का मकान समाज में एक वैल्यू बढ़ाता है, आपके समाज में एक रेपुटेशन होती है कि खुद का मकान है थोड़ा सा। इसके अलावा यदि आपके घर में बच्चे हैं तो सगाई या शादी करनी हो तो भी मकान की वैल्यू होती है, मकान की डिमांड होती है। मकान नहीं होता है तो हर आदमी लड़की नहीं देता है। पहले के ज़माने में ज़मीन देखते थे, घर पे खेती की ज़मीन कितनी है, आज के टाइम में मकान ज़रूर देखते हैं। और कई ऐसे केसेज मेरे सामने आए हैं, मेरे सामने बात हुई है कई बार, लड़की ने लड़के से पूछा आपका खुद का मकान है या पेरेंट्स के मकान में रह रहे हैं, तो ये एक पॉइंट बनता है। तो ये भी उस हिसाब से भी किराए के बजाय खुद का मकान होना चाहिए। और जो महंगाई दर बढ़ रही है अभी, लगभग इन्फ्लेशन रेट जिसको बोलते हैं, महंगाई दर बोलते हैं, तो वो लगभग 6 से लेकर 8% के बीच में रहती है लगभग। और होम लोन की रेट की यदि बात करें तो लगभग वो भी वही है, 8 के आसपास है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उतना ही आपका ब्याज लग रहा है होम लोन का। यदि आप होम लोन लेके और मकान आप बनाते हैं या खरीदते हैं तो फायदेमंद रहता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है हमेशा, या प्रॉपर्टी में एक ही बार आपकी वैल्यू लगी। मान लीजिए आपने कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी ली तो उसमें आपका बाद में कोई ज्यादा खर्चे नहीं है, लेकिन किराया आपका बढ़ता जाएगा। आप कहीं भी किराए पे मकान लेते हैं तो हर साल आपका कुछ ना कुछ किराया बढ़ता है। 20 साल में 20 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की मान के चल लेते हैं, बाकी ज्यादा हो जाती है, लेकिन किराया भी तो बढ़ेगा आपका। कितना किराया जा रहा है वो फालतू जाता है, तो इसको कैलकुलेशन करें। इसके अलावा मेरा जो सजेशन ये रहता है शुरू से, आप कोई भी मकान ले रहे हैं तो आपकी इनकम के आधार पे ले। आपकी जो इनकम है, फैमिली इनकम है ईयरली, उसका आपको 5 गुना तक का लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी 10 लाख की ईयरली इनकम है, फैमिली इनकम है, तो आपको 50 लाख तक का मकान ले लेना चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाने में दिक्कतें आती है। इसके अलावा थोड़ा सा जैसे ही अपन मकान लेते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती है, और कुछ टाइम बाद में जैसे अपनी इनकम बढ़ती है तो अपने को पार्ट पेमेंट करना चाहिए। पहले 2-3 सालों में तो पार्ट पेमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि पार्ट पेमेंट कर देते हैं तो आपका ब्याज कम जाता है। शुरू के अंदर ब्याज ज्यादा जाता है, और कई लोग तो लोन लेने के बाद भूल जाते हैं, केवल ईएमआई देते रहते हैं, एज इट इज प्रिंसिपल अमाउंट बना रहता है। कई लोगों के कॉल आते हैं, बोले हमने 5 साल के अंदर 8 लाख रुपए दे दिए और लोन में हमारे टोटल जो प्रिंसिपल है उसमें 50,000 कम हुए। प्रैक्टिकल यही होता है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो बैंक क्या करता है, आपकी टेन्योर बढ़ा देता है, ईएमआई नहीं बढ़ाता है। ईएमआई वही रहती है, किस्तें बढ़ जाती है, तो इससे आपका ब्याज ज्यादा जाता है, मूल बहुत कम जाता है। तो इस तरह से यदि अपन सोचे तो मेरा जो सोच है वो है यह है कि खुद का मकान होता तो एक वैल्यू होती है, एक आपकी प्रेस्टीज बनती है। इसके अलावा फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सा स्ट्रोंग लगते हैं और रहते भी है प्रैक्टिकल के अंदर बात करें तो। और एसेट ऐसे ही बनती है, बाकी एसेट नहीं बन पाती है। आज के टाइम में जैसे कोविड में कई लोगों की ऐसी स्थितियां खराब हुई थी, उस टाइम कोई एसेट नहीं थी। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी पहले ही रेंट पे रह रहे थे तो आपके पास था क्या बेचने के पास? मान लीजिए कोई काम धंधा नहीं है तो कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के अपन 2-5 साल का अपना गुजारा कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके कमेंट का मैंने जवाब दिया था और यही आज मैंने आपका टॉपिक चुना है। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, राय जरूर दें, आपको क्या इसमें कोई कमी लग रही है, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करें। दोस्तों शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।